श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे सभी को मैं जताते प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग का बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है। यद्यपि अन्नकूट महोत्सव है, पृथ्वी में सब जगह पर ये अन्नकूट महोत्सव को सब लोग बना रहे हैं, लेकिन आज जो सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य लगता है और किसी को प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि गिरिराज की तलहट में और श्री गुरुपाद पद्म की आनुगत्य में और कितने लोग आज परिक्रमा में थे, कितना लोग थे, हमारे श्री माधव जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, पूछ रहे थे कितने लोगों के साथ में आप परिक्रमा कर रहे हो, क्योंकि माधव महाराज मुझे कम से कम हम लोग 5000 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे, मतलब 5000 लोगों के साथ में केवल भारत ये नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के लोग यहाँ पर आकर के गिरिराज तलेट में सब के सब आज अन्नकूट महोत्सव मनाए। जब कीर्तन पार्टी जा रही थी, जब हमारे आप प्रोसेशन में जा रही थी, आप देखना पीछे से कुछ लोग गाड़ी में बाइक में जा रहे थे, वो लोग बड़े छटपट कर रहे थे, हमें रास्ता मिले। लेकिन जब मैं पीछे से जब जा रहा था, मैंने कहा मेरे थोड़ा रुक जाओ, अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। बोले मैं 20 मिनट में खड़ा हुआ हूँ, 20 मिनट तक खत्म नहीं हुआ, और जल्दी जल्दी अभी खत्म हो जाएगा, मतलब 20 मिनट में यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। पुलिस वाले इसलिए आज हम लोग जितने धूमधाम से श्री गिरिराज तलेट में हम लोग ने श्री अन्नकूट महोत्सव बनाए, मुझे लगता है पृथ्वी में और कोई भी इतने सुस्त और इतने सुंदर रूप में और इतने भक्तों के साथ में और इतने फिर सवेरे एक बार नहीं, यहाँ पर सबके सब भक्त लोगों को महोत्सव के लिए अभिषेक के लिए सबको सुझोग दी है, यहाँ पर तक किया ही है, फिर इसको बाद में फिर वहां पर भी जाकर के सब भक्त लोगों को अभिषेक का चांस जो दी गई है, समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो गिरिराज तलेट में गिरिराज की श्री अन्नकूट महोत्सव का हम लोग ने बनाया। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। इसलिए कभी जो गिरिराज गोवर्धन है, कभी इनका नाम ही हम लोग कभी समझो 3-4 दिन से गिरिराज की महिमा को हम सुनते जा रहे हैं, और एक व्यक्ति नहीं, अलग अलग वक्ताओं के मुखारविंद से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग हरिकथा, एक हरिकथा को साथ में आप सुने होंगे, किसकी हरिकथा मिलता नहीं होगा, अलग अलग। इसलिए मेरे को रामचंद्र को एक अच्छी बात बता रहे थे, पहले क्या होता है, ये जो माई की है ना, ये वक्ता को ढूंढता है, दूसरे मठ में ये माइक दूसरे को वक्ता को ढूंढता है, भैया कोई एक ही नहीं कथा बोलने वाले, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा है, क्या है यहाँ पर, क्या वक्ता माइक को ढूंढता है, वक्ता माइक को ढूंढता है, क्या हमें माइक मिल जाए, यह संपूर्ण उल्टा है। इसलिए ये किसका कृपा है, यदि ये श्री गुरुपाद पद्म की कृपा है, सचमुच से देखो, मैं तो हर जगह हर गौड़ीय मठ में जाता हूँ, लेकिन
हमारी गुरु जी का जो विशेष महत्व है, हम किसी अलग अलग गौड़ीय मठ से एक वक्ता को ढूंढना कठिन मिलता है। एक वक्ता भी एक गौड़ीय मठ एक वक्ता भी नहीं मिलता है। लेकिन हमारे गौड़ीय मठ में देखो गुरु जी का क्या आशीर्वाद है, गुरु जी का क्या कृपा है, एक से एक बढ़ करके है। जैसे यहाँ रूपान को गौड़ीय मठ है, वो सारे गौड़ीय मठ से भक्ता को बुलाते हैं, वो तीन दिन वहां ही कथा होती है, सारे गौड़ीय मठ से भक्ता को बुलाते हैं। लेकिन दो दिन केवल और किसी गौड़ीय मठ से नहीं, दो दिन केवल हमारी गौड़ीय मठ के सारे भक्ता लोग सारे हमारी गौड़ीय मठ में, और सारे गौड़ीय मठ के मिल करके भी एक गीत की हरि कथा के लिए सारे गौड़ीय मठ का भी भक्ता वहां पर मिलता नहीं। लेकिन हमारे गौड़ीय मठ से केवल दो दिन तक केवल हमारे गौड़ीय मठ से अलग अलग भक्ता है। बोले महाराज के बात छोड़ दो, जैसे माधव महाराज, कीर्ति महाराज, पद्मी महाराज की बात छोड़ दो, हमारी सब हमारे महाप्रभु गुरु जी की कृपा से जो हमारी ब्रह्मचारी लोग हैं, एक से एक इनकी हरि कथा को सामने बड़े बड़े मठ के सन्यास लोग भी जिनकी हरि कथा छोड़ी खा नहीं पाते। कहते ब्रह्मचारी की बात छोड़ दो, जो हमारे गुरु जी की शिष्य में जो शिष्य है, जो शिष्य लोग हैं, बाबा क्या हरि कथा बोलते हैं। और हमारे जो गृहस्थ भक्त है गुरु जी कृपा से, जो गृहस्थ भक्त है और इनका क्या अद्भुत। और जो माताओं का अंदर देखो उमा दीदी सारा दुनिया में टहलका मचा रही थी, सारे दुनिया में सुदेवी और हमारी जदुरानी दीदी और हमारे सविता दीदी कहते जो, और हमारे यहाँ पर एक कुटी मधु खंडेलवाल एक दुनिया में। इसलिए जो माताएं हैं ना गुड्डी, इसलिए जो माताएं हैं चार चंद्रिका दीदी यहाँ पर बैठी हुई, और यहाँ पर जो गुरु जी की जो शिष्य है ना श्यामरानी दीदी उमा दी बोला। इसलिए इनकी गुरु जी कृपा से अद्भुत गुरुदेव के स्पर्श मणि थे, जैसे स्पर्श मणि जैसे लोहे को स्पर्श कराने पर उसको सोना बना देती है। इसलिए हमारे श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी ये स्पर्श मणि है, इनको पास में जो लोहे आए ना इनको लोहे को उन्होंने सोना नहीं, लोहे को उन्होंने मणि बना दिया, लोहे को उन्होंने मणि बना दिया। ये हमारे गुरु जी की एक, ये गुरु जी की ये विशेष कृपा हमारे श्री गुरु महाराज की, प्लस की भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, प्लस गिरिराज महाराज की, भक्तिवेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की, प्लस की भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की। इसलिए हम लोग ने श्री गिरिराज के कलयुग में श्री गिरिराज गोवर्धन के अन्न को बहुत सौगम कर रहे, इसलिए इनका नाम ही गिरिराज गोवर्धन। कहते ये इनके नाम में ही ये गिरिराज का जितने महिमा है, ये गिरिराज का नाम में ही सब कुछ विद्यमान। गुरुदेव अद्भुत रूप में इसकी व्याख्या करते थे, इसका नाम गिरिराज गोवर्धन है इसका मतलब हम सुनेंगे। बोले इनका नाम गिरिराज, गिरिराज मतलब क्या, बोले गिरियों में पर्वत में जो राजा श्री ये गिरिराज गोवर्धन। बोले क्यों, बोले हर पर्वत का एक एक स्वरूप होता है। इसलिए एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कठोर तपस्या की राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण पूछे भैया क्या चाहते हो, बोले आपकी हम सेवा चाहते हैं। बोले किस रूप में सेवा पाना चाहते हो, क्या मेरे सखासखी बन करके, देखो ये ब्रज की कितने महिमा, बोले हमारा इतना क्या साहस सौभाग्य जो कि हम ब्रज में सखासखी बन सकते हैं। बोले भैया कोई पशु पक्षी रूप में जन्म लेना चाहते हो, बोले नहीं, बोले यहाँ पर कोई कीड़े मकड़ रूप में जन्म लेना चाहते हो, बोले नहीं, बोले फिर किस रूप में, बोले हे प्रभु अगर हम ब्रज में किसी पर्वत रूप में भी हमारी जन्म हो जाए, अगर हमारी उम्र में आप लीला करो हम अपना जीवन बदल देंगे। इसलिए स्वयं ब्रह्मा ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए, स्वयं शंकर जी ये नंदीश्वर रूप में प्रकट हुए, स्वयं विष्णु कहते गिरिराज गोवर्धन रूप में ये स्वयं विष्णु गिरिराज रूप में प्रकट हुए। इसलिए गिरिराज का एक स्वरूप क्या हो गया, बोले ये स्वयं श्री विष्णु। बोले दूसरे स्वरूप क्या है, श्रीमन महाप्रभु जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को तो जी दिया था,
एक गिरिराज सिन्हा एक विद्यामाला। बोले रघुनाथ ये गिरिराज जो सिन्हा है वे कृष्ण को स्वयं दे रहा हूँ, ये गिरिराज सिन्हा नहीं ये स्वयं कृष्ण है। बोले जो गुंजामाला दे रहा हूँ, बोले गुंजामाला नहीं ये स्वयं श्री राधा रानी। इसलिए महाप्रभु स्वयं कहते हैं ये जो गिरिराज गोवर्धन ये स्वयं कृष्ण है। इसलिए जिस समय श्री कृष्ण ब्रजवासियों को ये गिरिराज पूजा करवाया, पहले एक स्वरूप में तो उन्होंने पूजा करवाया, लेकिन दूसरे स्वरूप में उन्होंने क्या किया, स्वयं कृष्ण स्वयं गिरिराज का रूप धारण किया। इसलिए उन्होंने विशाल रूप धारण किया था गिरिराज गोवर्धन। कुछ ब्रजवासी के चक्कर में पड़े थे, बोलिए भैया ये क्या है, लगता है काल में कुछ काला है, क्योंकि लगता है जैसे कृष्ण ये देखने में कृष्ण तो लगता है छोटा सा, लेकिन लगता है यही कृष्ण जैसे ही है, ये विशाल रूप धारण किया है, ये तो कृष्ण तो है नहीं, स्वयं पूजा करके सब लड्डू कचौड़ी मांगा कुछ तो नहीं खा रहा है भैया, लगता है दाल में कुछ काला है। बोले दाल में काले नहीं, सभी काली है, सबके सब ये काली, लगता है कृष्ण ही है श्री गिरिराज रूप धारण किया। इसलिए इनका दूसरा स्वरूप है कृष्ण स्वयं ये गिरिराज है। कहते कि ये तीसरा स्वरूप क्या है, बोले श्री हरिदास भरजी। ये कौन कहते हैं, बोले स्वयं श्री राधा रानी कह रही है, हंताय अद्रिय वाला हरिदास भरजी। हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गुरुपाद मतलब भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं इसको ऊपर में। कहते जब स्वयं राधा रानी कहती है ये हरिदास भरजी है, जरूर इस पद में कुछ महत्व। तो गुरुदेव कल्पिका में गुरुदेव लिखते हैं, कहते महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नाय है। बोले जब तक किसी महान पुरुष का कृपा नहीं हो या किसी तरह से भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। जड़ भरत स्वयं कहते हैं रघुगण ही तपस्या न जाति न इच्छया न निर्वाप न गृहतुला नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषयम। जब तक किसी महान पुरुष के चरण में हम शरणागत नहीं होते हैं, कहते भैया किसी उपाय से न जाति न पूजा पाठ न अग्नि न तो छंदसा भेद कर लो घर छोड़ दो, लेकिन महान पुरुष की कृपा नहीं होगा तो भगवत भक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए भैया ये महान पुरुष में ये सर्वश्रेष्ठ गिरिराज कौन है, गुरुदेव कहते हरिदास भरज। इसलिए गुरुदेव पिता में लिखते हैं, बोले भैया दास है ना नामान्य अल्प भाग्य माने अल्प भाग्य दास नाय करण भगवान, आगे है मुक्ति तापर है सर्व बंधनाश तापर है ते मारे कृष्ण रे दास रे दास। दास शब्द समझ करके साधारण मत समझो। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज कौन है, कहते ये हरिदास है। हरिदास वर कौन है, कहते श्री उद्धव जी। कहते हरिदास वर्ज्य कौन है, बोले श्री गिरिराज महाराज। तब गुरुदेव कहते हैं, बोले भैया ये जो युधिष्ठिर महाराज के अंदर कौन सा भाव, कहते इनके अंदर में बात्सल्य विस्तृत दासल विस्तृत गौरव भाव इनके अंदर में। उद्धव जी अंदर में कहते इनके अंदर में कृष्ण का प्रति सख्य भाव है, लेकिन वो सख्य भाव में भी ये गौरव सख्य ये द्वारका युक्त भक्ति है, लेकिन ये गिरिराज जो गोवर्धन है जिसको स्वयं राधा रानी कहती है, ये गिरिराज कौन है, गिरिराज गिरि नृप श्री गिरिराज गोवर्धन हरिदास भरज। हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है। हरिदास में इसलिए कभी कभी गुरुदेव कहते थे कि हरिदास भी है और ये हरिदासी है, लेकिन लेकिन कहीं कहीं पर लिखा हुआ जैसे कहीं कहीं पर एक समय क्या हुआ, वृंदावन में एक बहुत बड़े कोई विद्वान, वो गिनने वाले बड़े विद्वान है, बहुत अच्छे विद्वान है, हमारे गौड़ीय वैष्णव जगत में बहुत अच्छे विद्वान है। एक समय उन्होंने कहीं हरिकथा बोलते बोलते उन्होंने बोल दिया ये जो गिरिराज गोवर्धन है कहते ये सख्य रस का है, लेकिन लिखा हुआ विश्वनाथ चंद ने नहीं बताया सख्य रस की है, लेकिन एक समय किसी भक्त ने सुना वो आगे के गुरु जी को बोले बोले गुरुदेव हमने कथा सुनने गया था उन्होंने बोला हरिदास कहते ये सख्य रस है, लेकिन आप कहते हो ये जो गिरिराज गोवर्धन है
ये श्रृंगार रस के। तब गुरुदेव ने कहा देखो उन्होंने भी जो बोला सही, लेकिन उनका जो उड़ान है, उनका जो पहुंच है वही तक, इनका पहुंच वही तक, लेकिन हमारी पहुंच कहाँ तक है? बोले हमारी पहुंच वहां तक नहीं, हमारे पहुंच उसको ऊपर है। कहते ये कौन है? बोले ये हरि दासी भी है। तो बोले इसका प्रमाण किया तो गुरुदेव ने कहा देखो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? बोले श्री रति मंजे। एक दो प्रार्थना क्या कर रहे हैं? बोले मुझे निकट निवास रही गोवर्धन पूर्णत्व, कहते इनके चरण में इनकी निवास चाहते हैं। बोले श्री सनातन गोस्वामी को, बोले ये लवक मंजरी है, बोले ये मंजरी होकर के उन्होंने क्या करते हैं? ये भी रोज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। बोले विश्वनाथ चक्र कर, बोले वो भी मंजरी है, हैं रूप गोस्वामी वो भी मंजरी। लेकिन ये होकर के ये फिर इन्होंने क्यों, उन्होंने फिर गिरिराज की तरफ में प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? गिरिराज को आश्रय क्यों लेना चाहते हैं? अगर वो श्रृंगार रस के नहीं होते तो बोले उद्धव जी जब पंडित जी में आए, जब हरे कृष्ण, जब उन्होंने प्रेम वैचित्रता ब्रज गोपियों की ब्रजवासियों को लेकर आदरण की, तब इनके मन में भी वो श्रृंगार रस के प्रति लोभ हुआ। अभी वो सोच रहे हैं भैया ये चीज को कौन दे सकता है? बोले ये गिरिराज के बगैर कोई नहीं दे सकते हैं। इसलिए उद्धव जी स्वयं यहाँ तृणकुल्म रूप में यहाँ पर जन्म लेकर के तपस्या कर रहे हैं। नारद जी शंकर जी से अष्टकालीय लीला को सुने, अष्टकालीय लीला को सुन करके इनके अंदर में वृंदादेव से भी सुने, इनके अंदर में भी श्रृंगार भाव उदित हो उठा। बोले भैया ये प्राप्त कैसे होगा? बोले जब तक श्री गिरिराज गोवर्धन की कृपा नहीं होगा तब तक ये वस्तु हमें मिल नहीं सकता है। ये जितने सब के सब श्रृंगार रस को प्राप्त करने के लिए गिरिराज के तले ने आश्रय लेकर के सब के सब भजन किया, इसलिए गुरुदेव कहते हैं एक स्वरूप में ये गिरिराज श्री हरिदास ये सख्य रस में भी है। क्योंकि जिसके अंदर में श्रृंगार रस है ना, उसके अंदर में सारे रस है, उसके अंदर में ये सारे रस उसके अंदर में विद्यमान। तब गुरुदेव ने कहा भैया ये गिरिराज जी पत्थर क्यों बने, ये पत्थर रूप में क्यों? गुरुदेव इसकी दो कारण बताते थे। गुरुदेव पहला कारण बताया करते थे जैसे सब भक्त लोग ने बताए, जब कृष्ण जब ये श्रृंगार रस की जैसे हिंदो लीला, जैसे प्रमद मदन लीला, जैसे उनको होली लीला, कुंज लीला, उनको जल विहार, इनकी झूला लीला, जब ये प्रमद मदन लीला करेंगे, ये सब श्रृंगार रस है। ये श्रृंगार रस जैसे सबको सामने कैसे कर सकते हैं? जैसे बाथरूम में स्नान करो, जैसे भी आप कपड़ा पहन नहीं सकते हो, क्यों? पता है ये पत्थर है। इसलिए गिरिराज ने देखा अगर मैं पत्थर बन जाऊं ना, फिर तो कृष्ण की जैसे इच्छा होगी वैसे ही वो लीला कर सकते हैं। गुरुदेव कहते इसलिए पत्थर। दूसरा कारण क्या? बोले दूसरा कारण है जब कृष्ण गोचारण करते थे, कृष्ण की चरण स्पर्श पा करके, राधा रानी की चरण स्पर्श पा करके, कहते प्रेम का आठ लक्षण है, स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण एक स्तंभ है। इसलिए स्तंभ है कृष्ण प्रेम में, मानव गिरिराज गोवर्धन स्तंभ मतलब ये पत्थर जैसे कृष्ण प्रेम में ये जड़ता प्राप्त किया है। और गिरिराज गोवर्धन में एक विशेष चीज आप देखिएगा, कहीं भी पहाड़ देखो ना उसका सर ऊंचा होगा, लेकिन आप गिरिराज को देखना ऊंचा नहीं, कहते एकदम जैसे द्रवित का रूप है, जैसे पिघलता हुआ रूप। बोले क्यों? बोले एक तो कृष्ण का चरण स्पर्श से कृष्ण की बलसित होने से ये गिरिराज गोवर्धन स्वयं ये द्रवीभूत हुए। अब गिरिराज की कोई भी एक टुकड़ा लो, कोई भी एक टुकड़ा लो, देखना उसको आपको ऐसे लगेगा जैसे तेल में किसने अभिषेक करवाया, लेकिन और कहीं भी पत्थर लो अब खसखस लगेगा, ये पिघलता हुआ रूप क्यों? मुलायम क्यों? कारण है कृष्ण का चरण स्पर्श से ये मुलायम रूप धारण किया। कोई भी गिरिराज के टुकड़ा ले लो, कोई भी एक टुकड़ा ले लो, आप देखोगे किसी ना किसी रूप में कृष्ण का, कहीं उनकी गोपाल रूप होगा, राधा कृष्ण की जुगल मिलन होगा, कहीं नरसिंह भगवान की रूप, अलग 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 शिला में कहीं ना किसी रूप में आपको गिरिराज में आपको कृष्ण की चिन्ह मिलेगा। तब गुरुदेव कहते थे भाई गिरिराज भैया टुकड़े टुकड़े क्यों हो गए? कुछ कुछ लोग कहते हैं श्री पुलस्त ने अभिशाप दिया जब वो उठना नहीं चाहते टुकड़े टुकड़े, लेकिन गुरुदेव कहते नहीं ये मैं नहीं, गिरिराज स्वयं का कृष्ण स्वरूप है और राधा रानी की ये स्वरूप स्वयं कृष्ण दासी है, हाँ हरिदास वर्ज्य, और इनको ऊपर मेरे ऋषि का कोई अभिशाप थोड़ी लगेगी। बोले फिर ये टुकड़े टुकड़े क्यों? बोले कारण है
कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए, कृष्ण विरह में ये गिरिराज गोवर्धन विरह में ये टुकड़े टुकड़े हो गए, तब तो ये है। आज गिरिराज कृष्ण आज गिरिराज धारण किए हैं और एक मिनट गिरिराज गोवर्धन आज कृष्ण ने ये गिरिराज जो धारण किए हैं श्री माधव महाराज सवेरे कुछ छोड़े नहीं, सारी चीज उन्होंने बोल दी। मैं सोच रहा था जो जो पॉइंट बोलूंगा ना उन्हें लास्ट में परिक्रमा का भी कुछ बात बता दिए, कैसे राधा रानी की इच्छा कैसे स्पर्श करे, राधा रानी की इच्छा कृष्ण दर्शन करे और बदला चल माधव महाराज कुछ छोड़े नहीं। मैंने एक को बात मैं सोच रहा था एक मिनट छोड़ेगी, मैं सोच रहा था एक मिनट छोड़ेंगे इसको बोलूंगा लेकिन जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, शुद्ध भक्त का जो लक्षण स्वयं कपिल देव कहते बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति यतिना, मेरे जो एकांत भक्त है मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति यतिना, जो अनन्य भावे न अन्य ऐसे नहीं कृष्ण भक्ति भी करते हैं दूसरे देवाधिक दुधम भक्ति करते पर नहीं, ऐसे नहीं कृष्ण टेढ़े भैया पहले से ही टेढ़े हैं, आप सीधा बनोगे तो कृष्ण सीधा बन जाएंगे, अगर तुम भी टेढ़े होगे ना कृष्ण भी टेढ़े बन जाएंगे। इसलिए मनमना भव मत भक्त भवो, मन केवल कृष्ण को ही देना पड़ेगा। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्म छोड़कर के एकनिष्ठ भक्ति। इसलिए उन्होंने किसकी पूजा बंद किया बोले इंद्र, इंद्र कौन है बोले स्वर्ग का राजा, सारे देवता का राजा, सारे देवता का, लेकिन कृष्ण ने क्या किया उसको पूजा भी उन्होंने बंद करवा दिया। बोले भैया अगर झोली फैलाना है ना सबके सामने झोली मत फैलाए, झोली फैलाना तो श्री गिरिराज गोवर्धन को पास में झोली फैलाओ, वही तुम्हारी सारे झोली को वही भर देंगे। क्यों? ये गिरिराज स्वयं कृष्ण पहला शिक्षा दिया। दूसरा शिक्षा दिए अभी इंद्र का अभिमान, बोले क्या अभिमान बोले स्वर्ग का राजा मैं हूँ, अगर मैं बारिश नहीं दूंगा तो क्या होगा, घास नहीं होगा भैया, घास नहीं खाएंगे दूध नहीं होगा फिर सब कैसे मर जाएंगे। कृष्ण सोचे भैया पहले जो हो गया हो गया, अभी मैं जब स्वयं आया हूँ जिस नंद बाबा का चुट्टी को मैं सर पर धारण करता हूँ, जो मैया यशोदा मेरे को उखल में बांध लेती है, जो मेरे कान पकड़ करके जो उठाती बैठाती है, जिनकी चरण में हाँ हाँ खाते हुए जहाँ मैं प्रेम की भिक्षा मांगता हूँ, और वो इंद्र क्या सोचे इनका तो हो गया राजा ही प्रजा, बोले ब्रज का एक धूल में इतने शक्ति है, ऐसे कितने इंद्र कितने चंद्र कितने स्वर्ग को प्रकट कर सकता है। इसलिए इंद्र का अभिमान को कृष्ण को दूर करना था, कभी दूसरा कारण है। तीसरा कारण है यहाँ पर अभी कृष्ण जब ब्रज गोपियों के साथ में मिलना चाहते हैं ना, बड़ा कठिन से कृष्ण मिलते हैं। अभी कृष्ण की इच्छा है ऐसे कुछ काम करो जो कि इनको साथ में, क्योंकि मेरे कायर भी हो मेरे प्रकाश है, मैं चाहता हूँ सात सात दिन तक इनको साथ में एकत्र बास करके इनको साथ में मैं आनंद करूँ। कैसे होगा बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन को धारण करूंगा, जिस राधा रानी से हैं मिलना कठिन होता था, अभी जब गिरिराज धारण किया क्या हुआ सबके सब सामने आ गए, सबके सब सामने और शरीर से शरीर सटक करके खड़े हुए थे। क्यों बोले भैया बाहर जा रहे बारिश हो रही है। इसलिए उन्होंने सात सात दिन तक कहते हैं गिरिराज ने बड़ी सेवा की, क्या सेवा की, राधा रानी से ब्रज गोपियों से उन्होंने मिलन करा दिया। बोले चौथा जो कारण है कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ लीला रासलीला, अभी कृष्ण रासलीला करना चाहते हैं लेकिन कृष्ण तो ब्रज गोपियों के बगैर ये रास कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने देखा भैया इनको आकर्षण कैसे करो, तर जैसे कि हीरो किसी हीरोइन को आकर्षण करने के लिए क्या करता है, कहते कुछ बहादुर दिखाना पड़ता है हीरोइन को सामने हैं। इसलिए कृष्ण ने दो बहादुर दिखाया, पहला बहादुर तो कालियों को सर पर नृत्य किया, दूसरा बहादुर उन्होंने जो दिखाया ये गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। जब कृष्ण सात साल उम्र में सात क्रोश गिरिराज सात दिन तक उन्होंने अपना कनिष्ठ अंगुली में धारण कर लिया, इसलिए बोले कछु मात्र को बल बढ़ो कछु कुछ सखा में करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए। इसलिए उन्होंने जब ये गिरिराज गोवर्धन को धारण की ब्रज गोपियां राधा रानी यह चीज को देख हैरान हो रहे, बाबा रे ये तो बड़ा पहलवान है,
हाँ, इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया, बस इनके मन में कृष्ण का भक्ति एकदम आकर्षित हो गया, इसलिए गिरिराज से निकला गोवर्धन। गोवर्धन होता है इंद्रिया, किसकी इंद्रिया, बोले कृष्ण का भक्त, वर्धन मतलब जो कृष्ण और कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण भक्त, ये दोनों वर्धन किया, बाकी की इंद्रिय की सेवा की, तभी से गिरिराज गोवर्धन। बच्चा प्रभु दरभर से कृपा से करे वचन प्रभु पाए।